खबर लोकसभा चुनाव से जुड़ी हुई बड़ी जानकारी निकल कर सामने आ रही है। कल शाम 4 बजे भारतीय जनता पार्टी की आएगी नई लिस्ट। नई लिस्ट में उत्तर प्रदेश की 24 सीटों पर घोषित किए जाएंगे प्रत्याशी। बड़ी जानकारी यूपी अपडेट आप तक पहुंचाने का काम कर रहा है। पीलीभीत में लगातार लग रहा है कयासों पर कल शाम 4 बजे लग जाएगा ब्राह्म। किसको मिलेगा टिकट, इसका हो जाएगा पर्दाफाश। बड़ी जानकारी यूपी अपडेट आप तक पहुंचाने का काम कर रहा है। लगातार रेस में चल रहे नेताओं के नामों पर लग रही कयासों की मोहर कल लगेगा ब्राह्म शाम 4 बजे। जारी करेगी भारतीय जनता पार्टी उत्तर प्रदेश की 24 सीटों पर लिस्ट, जिसमें पीलीभीत का भी नाम होगा शुमार। दरअसल उत्तर प्रदेश समेत पूरे देश में इस वक्त लोकसभा चुनाव का डंका बज रहा है। ऐसे में लगातार कयास लगाए जा रहे हैं कि किसको कहां से टिकट मिलेगा, जिसमें देश और प्रदेश में सबसे वीवीआईपी सीट पीलीभीत का भी जिक्र हो रहा है। आपको बता दें लगातार अपने बगावती तेवरों से मशहूर सांसद वरुण गांधी के टिकट काटे जाने के लिए को लेकर कयास बढ़ते चले जा रहे हैं। ऐसे में पीलीभीत से किसको उतारा जाएगा, इसको लेकर चर्चाएं तेज हैं। तो भाई भारतीय जनता पार्टी की तरफ से आए दिन एक नए नेता के नाम पर मोहर लगती नजर आ रही है। अब कल शाम 4 बजे तक भारतीय जनता पार्टी क्लियर कर देगी आखिर पीलीभीत से किसको उम्मीदवार बनाया गया है। कहीं वरुण गांधी का नाम आता है तो कहीं जितिन प्रसाद का, कभी संजय गंगवार के नाम पर मोहर लग जाती है तो कहीं हेमराज वर्मा को न्यूज़ों में टिकट मिलता नजर आता है। लगातार चर्चाओं के बाजार गर्म है। ऐसे में अब कल शाम 4 बजे क्लियर हो जाएगा आखिर किसके नाम पर भारतीय जनता पार्टी ने भरोसा जताया है।